फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 37 ऑफ एमपी एकोमोडेशन एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 36 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा जो है चैप्टर 6 स्टार्ट होगा, जो सेक्शन 37 टू 44 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है, चैप्टर 6 क्या है? प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड पेनल्टीज। भूस्वामियों की विशेष बाध्यताओं तथा शास्तियों के बारे में उपबल। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल कितनी सेक्शन है? 44 में 37 से 44। ठीक है, तो चैप्टर 6 में टोटल सेक्शन है आपकी 37 से 44 तक, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 43 पेनल्टीज वाली, जिसमें शास्तियां बताई। 43 वो इम्पोर्टेंट है ना, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड 37 में क्या बताया है? 37 में सबसे पहले सेक्शन 37 में बताया है, लैंडलॉर्ड्स ड्यूटी टू कीप एकोमोडेशन इन गुड रिपेयर, स्थान को अच्छी अवस्था में रखने का भूस्वामी का कर्तव्य। तो यहाँ पे भूस्वामी की ड्यूटी बताई है ना, लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बताई, भाई लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है मकान को अच्छी कंडीशन में रखना। इसमें लिखा है, एवरी लैंडलॉर्ड शैल बी बाउंड to keep the accommodation in good and maintainable repairs। क्या कह रहे हैं ये? प्रत्येक भूस्वामी स्थान को अच्छी तथा अविधारी वास्य अवस्था में रखने के लिए आबद्ध होगा। मतलब कंपलसरी है, ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब होता है बाध्यता, जिसको करने के लिए आप आबद्ध हो, करना ही पड़ेगा। तो जो भी लैंडलॉर्ड है, जितने भी भूस्वामी है, वो जो भी एकोमोडेशन उन्होंने किराए पर दिया, वो उनकी ड्यूटी है कि वो उसको अच्छी और अभिधारी वास, मतलब रहने लायक अवस्था में मेंटेन करके रखें। ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी होती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो मकान किराए पर है वो गिरने की कंडीशन में और तुम किराए पर दे रहे हो, तो भाई उसको अच्छे से रिपेयर करवा के रखो कि रहने योग्य तो हो। ऐसा नहीं कि उसमें से भाई तुमने किराए पर दे दिया, छत से पानी टपकता है, अब पेरेंट तुमने किराए पर दे दिया, अब शाम ज्यादा परेशान हुआ है। तो रहने योग्य अवस्था में रखने की ड्यूटी किसकी होती है? मकान मालिक की होती है। देन सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है? इफ द लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट्स और फेल्स टू मेक विदिन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर नोटिस इन राइटिंग एनी रिपेयर्स व्हिच ही इज बाउंड टू मेक अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंदर जो रिपेयर करवाने के लिए लैंडलॉर्ड बाउंड है, अगर ऐसे रिपेयर करवाने में लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है विद इन रीजनेबल टाइम, वो भी नोटिस मिलने के बाद, तो द टेनेंट में मेक द सेम हिमसेल्फ, तो टेनेंट खुद से करवा लेगा रिपेयर एंड डिडक्ट द एक्सपेंसेस ऑफ सच रिपेयर्स फ्रॉम द रेंट, और जो भी रिपेयरिंग करवाने में खर्चे आए, एक्सपेंसेस आए, उनको रेंट में से काट लेगा और अदरवाइज रिकवर them from the landlord, या फिर किसी अन्य रीति से लैंडलॉर्ड से उसको वसूल कर लेगा। ये सबसेक्शन 2 में बताया गया है। यदि भूस्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर कोई ऐसी मरम्मत नहीं कराता, मतलब भूस्वामी को लिखित सूचना दे दी अभिधारी ने, टेनेंट ने, कि सर ये मकान में ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, इसको रिपेयर कराइए, तो युक्तियुक्त समय के भीतर अगर वो ऐसा रिपेयर नहीं कराता है जिसको कि कराने के लिए वह उपधारा 1 के अंतर्गत आबद्ध है, तो अभिधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करा सकेगा और ऐसी मरम्मत के व्यय को भाड़े में से काट सकेगा और उन्हें भूस्वामी से अन्य रीति से वसूल कर सकेगा। तो या तो वो व्यय में, मतलब किराए में से काट लेगा, इतना खर्चा आया है हमने करवाया है, या फिर किसी और तरीके से निकलवा लेंगे। परंतु प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, परंतु किसी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूल योग्य रकम उस भाड़े के जो अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए दे हो, एक बार वह अंश
अधिक नहीं होगा। तो जो भी एनुअल रेंट है, साल भर का जो रेंट है, तो एक वर्ष का जितना भी रेंट है, उस रेंट में से ये जो आप रिपेयर के तौर पर पैसा काट रहे हो, ये कितने से ज्यादा नहीं काट सकते? उस पूरे रेंट का, साल भर के रेंट का 1/12 अंश से अधिक नहीं होगा, परंतु किसी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूली योग्य रकम उस भाड़े के जो कि अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए देय है, 1/12 अंश से अधिक नहीं होगा। मतलब सपोज करिए कि पूरे 12 महीने का जो किराया है टोटल मिला करके 60,000 रुपए है, ठीक है, 1 साल का। तो 60,000 का इंटू 1/12 कर लेंगे, तो जो 12वां अंश, 60,000 का जो भी 12वां अंश होगा, उतना ही वसूल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता 1 वर्ष का। ठीक, क्लियर? कोई डाउट है क्या इसमें? मैम Provided that the amounts were deducted or recoverable in any year shall not exceed 1/12 of the rent payable by the tenant for the year. तो 60,000 है अगर, या 70,000 है, कितना भी है, तो उसका 1/12, मतलब जो भी रेंट है आपका 60,000 into 1/12 हो जाएगा, तो 12 अंश निकल आएगा। ठीक, मैथ्स मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है वैसे, तो मेरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बिल्कुल ना जाए, बस याद रखें कि 1/12, ठीक है। तो जो भी एनुअल रेंट है, साल भर का जो रेंट है, उसका 1/12। ओके, अब देखते हैं आगे। सबसे सेकंड सी में, वेयर एनी रिपेयर विदाउट विच द एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल। अब ये दूसरी कंडीशन, अभी यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन थी कि मतलब यहाँ पे उसको रिपेयरिंग करवानी थी, और रिपेयरिंग करवाने के लिए उसने नोटिस दिया, लैंडलॉर्ड ने नहीं करवाया उस समय में, तो मकान किराएदार ने खुद करवा लिया और खुद करवा के रेंट में से पैसे काट लिए, और उन्होंने बता दिया कि ऐसा जो है 1/12 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये उन्होंने इतना बता दिया। अब बात आ रही है कि अब ऐसी कंडीशन है कि बहुत ही अर्जेंट वाली कंडीशन है, एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट विद अनड्यू इनकन्वीनियंस। बिना मतलब बिना सुख इनकन्वीनियंस के साथ रहना पड़ रहा है, तो कोई कन्वीनियंस नहीं है, जो हाउस है, जो एकोमोडेशन है, वो रहने लायक नहीं बचा है, नॉट हैबिटेबल मतलब रहने लायक नहीं बचा है, यूज करने लायक नहीं बचा है, विदाउट अनड्यू इनकन्वीनियंस, मतलब सॉरी विद अनड्यू इनकन्वीनियंस, मतलब अगर रह भी रहा है वो, तो बहुत इनकन्वीनियंस के साथ रह रहा है। भाई वो जहाँ सोता है वहां पे पानी टपक रहा है, तो बेचारा पलंग के बाजू में जो है एक बर्तन रख के सोता है कि भाई यहाँ पे पानी टपक रहा है, जगह जगह से कुछ लीकेज हो रहा है, कहीं से कुछ गिर रहा है, मकान टूट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मतलब बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है उसको, है ना। तो फिर क्या होगा, तो कोई भी रिपेयर विदाउट विच द एकोमोडेशन इज नॉट हैबिटेबल और यूजेबल एक्सेप्ट विद अनड्यू इनकन्वीनियंस आर टू बी मेड एंड द लैंडलॉर्ड निग्लेक्ट और फेल्स टू मेक देम आफ्टर नोटिस इन राइटिंग, और लैंडलॉर्ड ऐसे रिपेयर तो नोटिस मिलने के बाद भी नहीं करा रहा है, द टेनेंट मे अप्लाई टू आरसीए। ऐसी कंडीशन में टेनेंट को आरसीए से परमिशन लेना पड़ेगी, ठीक है। द टेनेंट मे अप्लाई टू रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर परमिशन टू मेक सच रिपेयर हिमसेल्फ। तो टेनेंट जो है आरसीए को एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मैं खुद से रिपेयर करवा लूं, एंड मे सबमिट टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एन एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सच रिपेयर, और परमिशन मांगने के लिए एप्लीकेशन देगा आरसीए को, और उस एप्लीकेशन में एस्टिमेट भी बताएगा कि कितना खर्चा आएगा रिपेयर में, तो उसका पूरा एस्टिमेट निकाल के बता देगा। एंड देयर अपॉन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और फिर उसके बाद क्या होगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी है वो आफ्टर गिविंग द लैंडलॉर्ड एन अपॉर्चुनिटी, लैंडलॉर्ड को एक अवसर देगा सुनने का कि भाई तुम्हारा भी पॉइंट सुन ले क्या कह रहे हो, और उसको अवसर देने के बाद सुनने का, After considering such estimate of the cost, जो cost बताया है किराएदार ने कि कितना खर्चा आएगा, उसको consider करने के बाद make such inquiries as it may consider necessary, वो सारी inquiries करेगा जिसको जरूरी लगती है अपने स्तर पर करने के लिए, पता करने के लिए क्या condition है क्या नहीं है, by an order in writing permit the tenant to make such repairs, ऐसी इंक्वायरी वगैरह करने के बाद फिर एक रिटन ऑर्डर देगा जिसमें वो टेनेंट को परमिट करेगा रिपेयर करने के लिए एट सच कॉस्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। जो रिटन ऑर्डर रहेगा उस ऑर्डर में वो कॉस्ट भी बताएगा कि इतने कॉस्ट के अंदर रिपेयर करना है, एंड इट शेल देयर आफ्टर बी लॉफुल फॉर द टेनेंट
टू मेक सच रिपेयर्स हिमसेल्फ. ऐसा ऑर्डर मिलने के बाद टेनेंट के लिए उस मकान में रिपेयर करना लॉफुल माना जाएगा. एंड टू डिडक्ट द कॉस्ट देयर ऑफ विद विच शैल इन नो केस एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड. और फिर वो इस तरीके से जो भी खर्चा है वो किराए में से डिडक्ट कर लेगा, लेकिन वो खर्चा कितना नहीं होगा, जो ऑर्डर में जितनी रकम स्पेसिफाइड की है आपकी ने उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फ्रॉम द रेंट रेंट में से, एंड अदरवाइज रिकवर इट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड या और किसी अन्य रीति से लैंडलॉर्ड उसको रिकवर कर लेगा. ये चीज में बताइए, एक बार हिंदी में लैंग्वेज पढ़ लेते जल्दी से. यहाँ कोई ऐसी मरम्मत की जानी हो जिसके की बिना वह स्थान असम्मत असुविधा के बिना वासियों के या उपयोगी ना हो, है ना, मतलब उसमें ऐसी मरम्मत की जरूरत है कि उसमें रह तो रहा है लेकिन वो वासयोग्य या उपयोग्य नहीं है और असम्मत असुविधा के बिना रह रहा है. और भू स्वामी लिखित सूचना दी जाने के पश्चात भी ऐसी मरम्मत करने में उपेक्षा या चूक करता है तो अभिधारी ऐसी मरम्मत स्वयं करने के लिए अनुज्ञा या परमिशन के लिए भारत यंत्र प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा. और ऐसी मरम्मत के खर्च का प्राक्कलन भारत नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा, एस्टिमेट बनाएगा कितना खर्चा कितना खर्चा आएगा वो देगा उसको. और तदुपरी भारत नियंत्रक प्राधिकारी भू स्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात तथा खर्च के ऐसे प्राकलन पर विचार करने और ऐसी जांच जैसी की वह आवश्यकता ये करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा ऐसी मरम्मत ऐसे खर्च पर जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए करने के लिए अभिधारी को अनुज्ञा दे सकेगा. और तत्पश्चात अभिधारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसा ऐसी मरम्मत स्वयं कराए और उसका खर्च जो किसी भी दशा में इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई रकम से अधिक नहीं होगा भाड़े में से काट ले या भू स्वामी से अन्य रीति में वसूल कर ले. ठीक है, समझ में आया कोई डाउट उधर? नो मैम. ठीक है, अब इसमें भी प्रोविजन, इसमें भी दर बता रही है, इसमें भी दर बताई गई है कि अब ये जो सेकंड क्लॉज है ना यहाँ पे कितना नहीं होगा ये देखिए. प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट टू डिडक्टेड और रिकवरेबल इन एनी ईयर शैल नॉट एक्सीड वन हाफ ऑफ द रेंट पेबल बाय द टेनेंट फॉर दैट ईयर. तो ये जो सेकेंड वाला क्लॉज है ध्यान रखना, ऊपर वाले क्लॉज में 1/12 है, सेकेंड वाले में ये जो अमाउंट है रिपेयर के लिए जो एस्टिमेट बना रहा है तो वो कितना ले सकता है, पूरे साल भर का रेंट का 1/2 आधा. ठीक है, 60,000 है तो 30,000 रुपए इतना वसूली योग्य होगा. परंतु किसी भी वर्ष में इस प्रकार काटी गई या वसूली योग्य रकम अभिधारी द्वारा उस वर्ष के लिए दे भाड़े के एक अर्धांश से अधिक नहीं होगी. एक अर्धांश मतलब आधा, चाहो तो लिखो वहां साइड में आधा, जो भी एनुअल रेंट है एक वर्ष का जो भी किराया है उसका आधे से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, अब एक और कॉपी जो क्या है, परंतु ये और भी कि यदि कोई ऐसी मरम्मत जो उक्त रकम में ना हो सकती हो, अब भाई नहीं हो रहा है 30,000 में, 30,000 से ज्यादा का खर्चा आ रहा है, तब क्या करेंगे, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की राय में यदि आवश्यक हो और अभिधारी अतिरिक्त खर्च स्वयं वहन करने के लिए सहमत हो, मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो आप आधा ही कर सकते हो, 30,000 ही हो रहा है, 30,000 से ज्यादा नहीं कर सकते. अब अगर ऊपर और खर्चा लग रहा है और अभिधारी बोले कि खर्च ठीक है, अब जितना 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो मैं अपनी साइड से लगा दूंगा, तो यदि अभिधारी किराएदार खुद वो खर्चा स्वयं वहन करने के लिए अगर सहमत हो तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अभिधारी को ऐसी मरम्मत करने के लिए अनुज्ञा दे सकेगा एस्टिमेटेड रकम से ज्यादा, ये आधे से ज्यादा के लिए. ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी रिपेयर नॉट कवर्ड बाय द सेड अमाउंट आर नेसेसरी इन द ओपिनियन ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड द टेनेंट एग्रीज टू बियर द एक्सेस कॉस्ट हिमसेल्फ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी में परमिट टेनेंट टू मेक सच रिपेयर. अगर टेनेंट एग्री कर जाए कि ठीक है जो भी एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है वो मैं बेयर कर लूंगा तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर्मेशन दे देगा ऐसे रिपेयर कराने के लिए. क्लियर, कोई डाउट इसमें? नो मैम. ठीक है,
चलिए सेक्शन 38 को अपन कल कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है।